हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे कल यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा, कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का जो सीपीआर लेवल है वो है 18,673। कल जो हमने निफ्टी के लिए प्रेडिक्ट किया था वो था कि 700 के ऊपर अगर सस्टेन करे तब हम लॉन्ग जा सकते हैं, एंड 700 के डाउन ये 42 है। और ऐसे भी देखिए मार्केट ओपन हुआ 700 के ऊपर लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे मैंने एक लेवल्स बताया था कि ये जो क्लोजिंग है ना, इस क्लोजिंग के नीचे जैसे आए तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो फॉर द टारगेट टिल या ए पीडीएल तक। ठीक है, यहाँ पे टारगेट 30-45 मिनट के अंदर यहाँ पे टारगेट हिट कर दिए थे एंड देन यहाँ पे लो बनाया और यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर से सीपीआर को हिट किया, देन रिट्रेस और फिर फाइनली ओपनिंग प्राइस के आसपास आके क्लोज दिए हैं। ये है निफ्टी का आज की मूवमेंट। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी लुक्स मोर पॉजिटिव देन निफ्टी। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करके डेफिनेटली ये जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 43,300 इसके ऊपर आके क्लोज दिए हैं। तो अब हम बात करेंगे वन बाय वन कि कहाँ पे एंट्री किया जा सकता है। ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो सिंपल गाइस, ओपन इंटरेस्ट में भी आपको निफ्टी में बेयरिशनेस देखने को मिलेगा। ये देखिए मोर कॉल राइटिंग है देन पुट आज की सेशन में भी एंड ओवरऑल देखें पीसीआर 0.7। ओके, मोर कॉल राइटिंग 95.1। यहाँ पे अगर देखें तो जो रेजिस्टेंस है 18,700 एक क्रूशियल लेवल है कि अगर इस लेवल के ऊपर है तब हम लॉन्ग जा सकते हैं। जो पीडीएच लाइन यहाँ पे मार्क किए गए हैं इसके ऊपर मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा, तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि 18,720 के ऊपर हम लॉन्ग जा सकते हैं एंड इसके जब तक नीचे है तब हमको लॉन्ग नहीं जाना है, इंतजार करना है प्रॉपर लेवल के लिए। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखें, बैंक निफ्टी का जो डेटा है गाइस सो स्लाइटली बुलिश आज के दिन। देखिए कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिला एंड पुट राइटिंग स्लाइटली देखने को मिला आज की सेशन में। यहाँ पे देखिए आप डिफरेंस देख सकते हो। अगर यहाँ पे ओवरऑल देखें तो पीसीआर है 1.1 दैट्स बीन बुलिश एंड इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 43,500। यहाँ पे 2.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं एंड नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो पुट राइटिंग 43,000 में अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अकॉर्डिंग वाई डेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल की दिन ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो निफ्टी में जैसे कि मैंने प्रीवियस डे भी बताया था कि ये जो लेवल्स हैं अकॉर्डिंग ओआई डेटा एंड प्राइस एक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करे दस मीन 18,720 लेवल्स बता रहा हूँ, 18,720 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करना स्टार्ट करे तो आपको एंट्री लेना है। एसएल डेफिनेटली जो कैंडल्स है ना, कैंडल्स के लो पे रख दीजिए या फिर थोड़ा सा नीचे जो पीडीएच है थोड़ा सा नीचे आपको मेंटेन करना है, लाइक 18,680 फॉर द टारगेट टिल 18,800। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्स्टकल है ये, क्योंकि ये भी सीपीआर है। यहाँ पे हो सकता है कि ये यहाँ से रिवर्स मूवमेंट दे दे, तो एक इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले आपको प्रॉफिट बुक करना है 18,800 में। ओके, लेकिन अगर इसको ब्रिज कर दे एंड इसके ऊपर आगे सस्टेन करना स्टार्ट करे, ओके, दैट्स मीन 18,840 इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे, तो आप यहाँ तो टारगेट के लिए 18,865 टारगेट के लिए यहाँ पे बने रह सकते हो। तो ये दो लेवल्स यहाँ पे हाफ क्वांटिटी भी बुक कर सकते हो एंड हाफ क्वांटिटी यहाँ पे कैरी कर सकते हो, ऐसे भी यहाँ पे पोजीशंस बना सकते हो, अदरवाइज दो बार पोजीशंस बना सकते हो। यहाँ पे एक बार बुक कर लीजिए एंड इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करें तो दोबारा पोजीशंस बना सकते हो। तो ये हो गया अप साइड में ट्रेड कैसे लेना है निफ्टी में, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट साइड सेलिंग के लिए। देखिए हो सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि रिवर्स करना स्टार्ट करे, 18,800 में अच्छा खासा कॉल राइटर भी खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हो सकते हैं कि शूटिंग स्टार जैसे कैंडल्स बनाए एंड डोजी जैसे कैंडल बनाए एंड देन फिर एक रेड कैंडल बन गया, ऐसा अगर प्राइस एक्शन होते हैं तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के। लेकिन यहाँ पे क्या है ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल्स के ऊपर है जो कि ये सेंटिमेंट बाइंग का है, यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, दैट्स मीन क्वांटिटी कम होना चाहिए, क्वांटिटी हाफ होना चाहिए, जो हम यहाँ पे बाई कर रहे थे ज़्यादा क्वांटिटी उससे कम होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ से एंट्री लेकर यहाँ तक टारगेट के लिए एक बार आप एंट्री कर सकते हो, 720 तक टारगेट के लिए यहाँ 18,800 में शॉर्ट किया जा सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस जो हाई है हाई पे रख के। तो ये मैंने लेवल सबको बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात है 8 दिसंबर को गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट अगर देखे आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन यहाँ पे 7 दिसंबर 5:30 पे आने वाला है। ओके, तो ये मार्केट में इफेक्ट कर सकते हो, सकते थोड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन हो, तो अगर ऐसा ओपन होते हैं तो आपको कैसे ट्रेड करना है इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया और फिर
इस लेवल्स के डाउन ट्रेड करना स्टार्ट करें, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस वहाँ पे रख के, जो मैंने आपको बताया। ओके, अगर गैप डाउन ओपन होते हैं निफ्टी लाइक यहाँ पे 500 के आसपास, तो आपको यहाँ पे देखना है क्या ये रिस्पॉन्सिव बायर ने यहाँ पे एंट्री ले रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बन रहा है। अगर यस, उसके बाद जैसे ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन छोटा सा क्वांटिटी कर सकते हो क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हो रहा है। ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है जो कि सेंट्रल पिवोट है। ओके, तो यहाँ पे आपको छोटा सा क्वांटिटी बुक कर लेना है और रेस्ट क्वांटिटी यहाँ तक टारगेट के लिए आपको रखना है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने स्टार्ट करें तो और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इलेक्शन का इफेक्ट जैसा भी हो, आपको चार्ट को देखते हुए ट्रेड लेना है। कहाँ पे लेना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग में कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको बताया, लेकिन मान लीजिए कि गैप डाउन यहाँ पे हो रहा है, इस लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, तो शॉर्ट साइड जा सकते हो, जो लेवल्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने बाइंग के लिए बताया 18,650, दैट्स मीन अगर इस लेवल को ब्रेक करे, ये जो सेंट्रल पिवोट है 18,650, इस लेवल को ब्रेक करने पर यहाँ तक तो टारगेट के लिए पोजीशंस बनाया जा सकता है। 20 पॉइंट का एसएल बिल्कुल सेंट्रल पिवोट के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक तो टारगेट के लिए आप एंट्री कर सकते हो। ओके, एंड सेकेंड पोजीशंस यहाँ पे बनाया जा सकता है अगर ये 575 को ब्रेक करे, 575 दैट इज लगभग यहाँ पे इस लेवल को अगर ब्रिज करते हैं बैंक निफ्टी। ओके, 18,575 तो पहला टारगेट रहेगा 18,500 रहेगा पहला टारगेट, एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा सा रखना है जो कैंडल ब्रेक करेगा ना उस कैंडल के हाई के ऊपर, या फिर ये जो पीडीएल है इस पीडीएल के थोड़ा ऊपर आपको यहाँ पे एसएल मेंटेन करना है फॉर द टारगेट 520। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 18,470। ठीक है, ये हो गया सेलिंग साइड के लिए। और यहाँ पर भी मैंने एक बताया कि यहाँ पे अगर रिवर्स होते हैं तो कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे भी एंट्री किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर निफ्टी गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो सीपीआर है 43,230, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज दिए हैं, दैट इज हियर 43,300, इसके ऊपर क्लोज दिए हैं। तो इसके ऊपर जब तक है तब तक हम बुलिश हैं। ठीक है, आपको लॉन्ग तभी जाना है कि इस लेवल के 43,300 के ऊपर क्या सस्टेन कर रहा है, तब हम अपसाइड जा सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन हुआ तब कुछ नहीं करना है, एक नो ट्रेड जोन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 43,150 के आसपास ओपन हुआ है, कुछ नहीं करना है, लेट द ब्रेक दिस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल एंड देन यू कैन टेक एंट्री। ओके, तो 43,300 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। जो लेवल्स है, लेवल्स में देना चाहूंगा 43,380। देखिए 372 आज की हाई है, पीडीएच है, सो इसके ऊपर जैसे ही ब्रिज करके सस्टेन करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 50-60 पॉइंट का रखना है। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के जो कैंडल्स ब्रिज कर रहा है उसके थोड़ा नीचे, ठीक है, उसका जो लो है उसके थोड़ा नीचे रखना है, एंड फॉर द टारगेट टिल या, ठीक है, लाइफ टाइम हाई 80s तक आपको यहाँ पे टारगेट रखना है, जो कि 43,480 या 90 यहाँ तक टारगेट के लिए आपको प्ले करना है। एक ही टारगेट है गाइस, लेकिन मान लीजिए कि एक बड़ा सा कैंडल के थ्रू यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक करना है एंड हाफ क्वांटिटी को स्टॉप लॉस को ट्रायल करके इसके साथ प्ले करना है। ओके, तो ये हो गया पहला बाइंग अपॉर्चुनिटी जो आप बैंक निफ्टी में ढूंढ सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इसके ऊपर है, जैसे ही छोटा सा डिप मिले यू कैन मेक लॉन्ग पोजिशन बैंक निफ्टी। ओके, नाउ सेकेंड जो पोजिशन है वो है 43,540, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल्स है ना 500, इसके ऊपर एक बड़ा सा कैंडल बन गया और सस्टेन करने लगा और रिट्रेस देने लगा इस तरह, या फिर रिटेस्ट कर रहा है इस लेवल्स को, देन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ई कंटेक एंट्री है, और उसके बाद एक बड़ा सा मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल सकता है। ओके, सो लेवल जो है 43,540, ओके, इसके ऊपर आप एंट्री कर सकते हो। एसएल है 43,470 एंड टारगेट 43,650 या फिर 723 के लिए अपसाइड में बैंक निफ्टी पर पोजीशंस बनाया जा सकते हैं। सारे लेवल्स आप चार्ट के ऊपर मार्क करके रखें, और ये बहुत इफेक्टिव लेवल्स है जो आप लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बाइंग साइड के लिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट साइड। सेलिंग साइड के लिए गाइस यहाँ पे जो लेवल्स है बैंक निफ्टी का वो है 43,150, दैट इज हियर, ये जो बॉटम सीपीआर है, इस सीपीआर को अगर ब्रिज करते हैं तब जाके आप यहाँ पे पोजीशंस बना सकते हैं शॉर्ट साइड। सो एंट्री पॉइंट है 43,150, स्टॉप लॉस है जस्ट सेंट्रल पिवोट के थोड़ा ऊपर यहाँ पे 43,240 एंड फॉर द टारगेट टिल हियर 43,050।
ओके यहाँ तो टारगेट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है बैंक निफ्टी में, ये हो गया पहला पोजीशंस। लेकिन यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करें, क्योंकि एक जोन है, हो सकता है कि यहाँ पे लो बनाया, आपने एंट्री ले लिया और उसके बाद अच्छा खासा इस तरह की रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिले, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। कम क्वांटिटी के साथ ही यहाँ पे शॉर्ट करें। नेक्स्ट जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ शॉर्ट कर सकते हो, ये जो लेवल्स मैंने कल भी बताया था कि 42,850, ये लेवल्स को अगर ब्रीच करते हैं, जस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। अगर बड़ी कैंडल के थ्रू ब्रीच होते हैं तो सिंपल उसके हाई के ऊपर 15 मिनट में अगर आप ले रहे हो, 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे सेल रखना है, लाइक 42,920, जस्ट 50-70 पॉइंट का सेल। एंड टारगेट है 42,650 एंड 42,550 के लिए यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। सो कल से ही यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, एग्जिट पोल का जो भी रिजल्ट आएगा उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मूवमेंट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। और अगर आपको इस प्राइम टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है लाइव मार्केट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए, तो सिंपल आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन करके जीरोधा अपस्टॉक्स एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करके यहाँ पे बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हो। सारे अकाउंट ओपनिंग लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीखना है सीपीआर एंड पिवोट को देखते हुए मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, तो आप ये कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो। सारे कोर्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।